वेलकम टू दी जीफू विलेज से अभी हम लोग निकल गए गाइस और आगे तक। सो गाइस ये रंगापार रोड है, तो रंगापार रोड होके हम लोग अभी जा रहा है यहाँ से दयापुर के रोड दी जीफू और चिंगजान के बीच में। ये है चिंगजान का रास्ता, आप देख सकते हैं इसके अंदर हम अभी आ चुके हैं और इससे अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही देखने में ऑसम व्यू गाइस। और चले आगे और चलते हैं। आज सनसेट भी बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है और ये शाम का टाइम है और इवनिंग का टाइम है। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग गाइस। और गाइस मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों ने मेरे चैनल को इतने सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को, और मुझे इतना सारा मुझे मेरा वीडियो शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आगे तक ब्लॉग में बने रहना, बहुत बहुत अच्छा अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। गाइस गुड इवनिंग, अभी मैं आया चितन से कॉलोनी, ये देख सकते हैं ये कुछ चितन से कॉलोनी का खेत है, मैं खेत में आया लेने के लिए। और यहाँ पे अभी क्या क्या मिलेगा, जैसे कि पत्ता गोभी मिलेगा, बंधा गोभी और फूल गोभी है और टमाटर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये खेत वाला ने मुझे बोला। तो गाइस अभी यहाँ से बाजार कर लेते हैं, बाजार करने के बाद हम लोग चलते हैं घर घर की ओर। और यहाँ का नज़ारा आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये टमाटर का खेत का है आंटी जी, टमाटर तोड़ रहा है। और ये है पत्ता गोभी, आप देखते हैं पत्ता गोभी है। गाइस आगे तरफ है नदी, तो मैं आपको नदी भी दिखाऊँगा आगे जाके। तो फटाफट से ले लेता हूँ बंदा को पता को भी, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे ठीक है गाइस। तो गाइस अभी लेने की तैयारी हो रहा है, देख सकते हैं आप पता को भी लेने के लिए तैयारी हो रहा है। ये पता को भी देखिए किस तरह तोड़ते हैं। गाइस बहुत ही खूबसूरत खेत है आप देख सकते हैं, तो आप लोग जरूर आना यहाँ में विजिट करना। और ठीक है तो देखिए गाइस किस तरह तोड़ना पड़ता है, देखिए कितना अच्छा से तोड़ता है और इसको वजन करेगा यहाँ। तो गाइस मैं ये अगर जो चेतन सिंह का जो बस्ती का जो खेत है, मैं आपको सवारी कराऊंगा। देखिए कि हमें क्या क्या है, मेरे आगे तरफ है बैंगन का पेड़, ये बैंगन का पेड़ है आप देख सकते हैं और पूरा हरा भरा है सब्जी। पहले बहुत था यह में पता को भी, अभी तो नहीं है। तो कैसे टमाटर का खेत देख सकते हैं, बीच बीच में क्या क्या घास फूस निकल गया देख सकते हैं आप। ये टमाटर है, टमाटर लेने के लिए आया गाइस, देखिए टमाटर। और गाइस आगे तरफ है कॉल गाछ का बागान, कौन सा कॉल है पता नहीं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ये शाम का नज़ारा है गाइस। और जो कोई नए चैनल पर उनको सब्सक्राइब कर लेना और हिट द बेल आइकन। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा शाम का है गाइस, इवनिंग टाइम का है, ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा है इवनिंग टाइम का है गाइस। तो गाइस आइए यहाँ में पता ने ले लिया भरने वाला है। छूट गया था गाइस, चले और अगर गाइस आपको दिखाते हैं नजारा। तो गाइस मैं खेत के बाहर निकल गया, खेत के अंदर से बाहर निकल गया। तो आगे तरफ मैं आपको दिखाऊंगा नदी वगैरह है, चलिए यहाँ से चलते हैं। और आगे तरफ देख सकते हैं ये नदी से बालू ले जा रहा है गाड़ी पे। तो
और अगर आपको यहाँ से पार होना है, यहाँ से पार होने के लिए आपको नौका जैसा छोटा सा बनाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे ये है। अभी तो बहुत सुंदर हो गया नौका, देख सकते हैं नाव पहले थर्मोकोल से बनाया गया था, पहले थर्मोकोल का था। तो यहाँ से आपको वहाँ तक जाने के लिए नाव से जाना पड़ता है। गाइस मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ से नदी से जाने के लिए। अच्छा यहाँ से नदी पार होने के लिए नौका में कितना भाड़ा है यहाँ साफिंग करने में? सर 10 रुपये। गाइस यहाँ से जाने के लिए 10 रुपये, वहाँ से आने से 10 रुपये, टोटल 20 रुपये। तो ठीक है, बाय बाय, जो बस को बाय बाय करो। ठीक है, तो गाइस आपने सुना होगा ये जो नाव देखा यहाँ से, आपको उस पर जाने जाने के लिए एक आदमी का सिर्फ 10 रुपये आना, अप डाउन 20 रुपीज़। और पानी बहुत भर गया, आप देख सकते हैं पानी बहुत भर गया। तो गाइस अभी चिकन सा बस्ती से अभी हम लोग निकलने वाला है। देखिए जैसे टाटा जाते जाते रास्ता भी ख़राब है, और जो लेना था ले लिया। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाला, देखिए बहुत ही रास्ता ख़राब है गाइस, तो देख के जाना पड़ेगा। और मिट्टी भी इतना ठीक नहीं है, कम पूरा स्लिप है, चक्का भी स्लिप करते हैं, होने से भी भगवान को बोला गया जितना चलते रहेगा। हम लोग निकल गए खेत से बाहर, और शिव मंदिर पार हो गया गाइस, शिव मंदिर पार हो गया ये दी, वहाँ से हम लोग अभी हमें आ गए दीजीपू, देखिए दीजीपू, और आगे तरफ है नदी। चलिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और वृक्ष के नीचे देखिए पानी बहुत ही खूबसूरत, और शानदार मौसम आज, अभी इवनिंग टाइम है, बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए गाड़ी जा रहा है। तो गाइस चलते हैं घर की ओर। तो गाइस अभी मैं घर आ गया, तो मैं क्या क्या लाया वहाँ से, मैं पत्ता गोभी लाइक लेके आया, मैं आप लोग को दिखाऊंगा, पत्ता गोभी, बंदा गोभी, कैबिज, मैं कैबिज लेके आया। और आते आते वहाँ से मुझे 7 बज गया आते हुए घर आके पहुँचा गाइस। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते कैबिज में क्या क्या लाया, चलिए। सो गाइस आप देखिए ये कैबिज है, और ये टमाटर लेके आया। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जो आप लोग कमेंट करना, और जो कोई भी नया प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कर लेना और हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी टाटा बाय, सी यू एंड अगेन टुमारो, एंड बाय बाय, टेक केयर।